अरे आज 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 हम अपना स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अरे देखिए हमें तीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें न्यूट्रिशन चेक करनी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है, उसके बाद हम समझेंगे अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होती है, एंड लास्ट में हम समझेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग कैसे होती है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग की होती है वैसे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की भी होती है। समझ आ गया, हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स के बारे में अभी तक मैं आपको क्या क्या बता चुका हूँ कि प्लांट्स एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना बनाता भी खुद है, फिर अपने न्यूट्रिएंट्स भी उसी से ऑब्टेन करता है। मतलब वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो अपना खाना खुद बनाएगा। अच्छा, आप जब वो खाना खुद बनाता है वो किस प्रोसेस का यूज करता है? फोटोसिंथेसिस। तो हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ये बताना है, अगर सपोज करो हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डज न्यूट्रिशन इन प्लांट हैपन, कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है, तो हम सिंपली बोलेंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके और अपने सोयल से वाटर को वाटर लेके, अच्छा क्या करता है, सबसे पहले प्लांट देखो क्या करता है, मैं इसका पूरा मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक प्लांट सोयल में से वाटर को मतलब एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपने बॉडी में लेके आता है, जो जो उसकी स्टेम है उसमें लेके आता है। अच्छा, उसके बाद वो उस वाटर को ब्रेक करता है। अच्छा, याद है हमने वाटर को ब्रेक करता फर्स्ट चैप्टर में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे एक प्लांट वाटर को ब्रेक करेगा विद द हेल्प ऑफ लाइट। कौन सी लाइट? सनलाइट। समझ आ गया। तो हम अगर बात करें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होती है, तो हम बोलेंगे कि देखो जी, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके और सॉइल के वाटर को यूज करके पहले उसको ब्रेक करती है वाटर को। अच्छा, जब वाटर ब्रेक हुआ हाइड्रोजन अलग आ गई, ऑक्सीजन अलग आ गई। अब समझो उस प्लांट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसने ऑक्सीजन क्या कर देनी है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देनी है थ्रू इट्स पोर। कौन से पोर होते हैं वो? स्टोमेटा पोर। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, मतलब लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गया, स्टोमेटा पोर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या, अब उसने वाटर को सॉइल से राइज करवा के अपनी बॉडी में लेके और कार्बन डाइऑक्साइड उसने वही स्टोमेटा से इंटेक कर ली। पहले उसने वाटर को ब्रेक करा किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए थी, उसने बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि प्लांट को ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं चाहिए, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, रेस्पिरेशन में प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, बट पहले हम ये समझते हैं प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। उसने वाटर को ब्रेक करा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, अब मान के चले उसको नहीं चाहिए। अब उस हाइड्रोजन को क्या किया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करवा दी। अच्छा, जब कोई चीज हाइड्रोजन गेन करती है उसकी क्या होती है? रिडक्शन। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था? वाटर को ब्रेक करना, फिर ऑक्सीजन को बाहर निकालना, हाइड्रोजन को पकड़ रखना। अच्छा, उस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवा देना? गेन करवा देना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करवा देना? रिडक्शन। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है तो वो क्या बन जाता है? एक कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? ग्लूकोज। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो अगर मैं आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की मेन बातें बताऊं तो सबसे पहले तो ये कौन कर पाते हैं? ग्रीन प्लांट्स। कौन? ग्रीन प्लांट्स। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और सोयल में प्रेजेंट वाटर को यूज करते हैं। सबसे पहले ये वाटर को क्या करेंगे? ब्रेक। अब वाटर का फॉर्मूला है H2O। हाँ के नाम? Yes, sir। अच्छा, तो ये वाटर को ब्रेक करेंगे किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। हाँ के नाम? Yes, sir। एक बात बताओ, यहाँ पे वाटर को ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी के कौन से सोर्स को यूज कर रहे हैं? एनर्जी के कौन से सोर्स को यूज कर रहे हैं? सनलाइट को। अच्छा, यहाँ पे हम इसको पता क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस बोलो। पोटैटो। समझ आ गया किसकी बात कर रहा हूँ? समझ आ गया। तो साइंस वाले बच्चे के लिए प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती, तो माइंस का पेपर नहीं देने जा रहे। पोटैटो पोटैटो पोटैटो, क्लियर है? किसकी बात हो रही है? आलू की। खाना ही आना इंडियन, बात खत्म। समझ आ गया। चलिए, तो प्लांट ने क्या किया? वाटर को ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया फोटोलिसिस। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए था, मान रहे इसने वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी कि जा भैया तेरा काम हो गया, अब मुझे तेरे से कोई वास्ता नहीं है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। बचा कौन? हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवा दिया? गेन करवा दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गेन करके क्या हो गया? रिड्यूस। किसमें हो गया? एक कार्बोहाइड्रेट में, जिसका नाम हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। हाँ के नाम? यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, ध्यान से भी काम है अपना। हाँ, अच्छा, प्लांट ने क्या किया? प्लांट ने वाटर को बॉडी के अंदर लेके आया। हाँ, अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग, पहले वाटर को ब्रेक किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसको इतनी नहीं चाहिए थी, उसने एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी और इस हाइड्रोजन को गेन करवा दिया। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गेन करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? रिड्यूस। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? ग्लूकोज। समझ आ गया। अब यही प्लांट का खाना है। अब सुनो ध्यान से, मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या प्लांट को डाइजेशन करने की जरूरत है?
क्यों नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ओ भाई मैं तेरे ओ मेरे को एसी वाला पानी देना, डूब के मर जाओ उसमें। वो आपने एक बार बताया था ना क्योंकि इसको डायरेक्ट कहता ग्रेविटी। अगर नहीं बेटा ऐसे तो चुप रहा कर ना दिया करन सर, मैं अपना पता कुछ कर बैठूंगा अपने आप को। मैं डाइजेशन क्यों नहीं करता प्लांट क्योंकि इसको डायरेक्ट मिल रहा है। ओ बच्चे सुनो मेरी बात, डाइजेशन की वहां जरूरत होती है जहां पे कोई कॉम्प्लेक्स फूड इन्वॉल्व हो। मैंने आपको कल क्या बताया था, हम ह्यूमन बींग्स क्या इंटेक करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड। तो हमें डाइजेशन की जरूरत है क्योंकि हमारी देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना किसके बने होते हैं? सेल के। अच्छा सेल को ना सिंपल चीजें पसंद है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाता सेल। सेल को बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें पसंद, समझ आ गया? तो हमारा जो फूड इंटेक है वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमें डाइजेशन करनी पड़ती है। अब यहाँ देखो जो खाना है प्लांट का वो तो ऑलरेडी सिंपल है, इसकी क्या डाइजेशन करेगा? इसकी प्लांट की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कि कम होती है? कम, क्योंकि हमें डाइजेशन करनी है, हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब इसको डाइजेशन ही नहीं करनी, इसको एनर्जी क्यों चाहिए होगी? समझ आ गया? तो मैंने आपसे पूछा, मैं अगर आपसे पूछूं कि प्लांट्स को डाइजेशन करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपना खाना पहले ही सिंपल फॉर्म में बना रहा है। इसमें सिंपल फॉर्म में, समझ आ गया? अच्छा हमें डाइजेशन करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम अपना खाना कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक कर रहे हैं, तो हमें उस कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें कन्वर्ट करना है? सिंपल में। तो जाके हमें मिलेगा न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स अपना ऑलरेडी पहले क्या बना रहे हैं सिंपल में, उनको डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। समझ आ गई? अगर मैं इसको फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करूं, देखो बुक में पेपर में क्या पूछी जाती है? डेफिनेशन। बच्चे का कंसेप्ट देखा ना देखा जाए, डेफिनेशन देखी जाएगी। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिफाइन करें तो ये कैसा प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? प्लांट ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड किनको बोलते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। समझ आ गया? तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच अ प्लांट ग्रीन प्लांट मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है, तो ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बनती है वैसी हम बाहर फेंक देते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर तो नहीं होती। बट ये ग्लूकोज हर टाइम हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड हर टाइम अवेलेबल होती है? जैसी वो प्रोड्यूस होती है हमें बॉडी से बाहर निकालनी पड़ती है। क्यों? अगर हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? जनरल नॉलेज की क्वेश्चन, जनरल बात करते हैं। अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, ठीक है? ये एसिडिक इन नेचर होती है, तो ये क्या करती है? हमारी बॉडी के टिश्यूज को खराब कर देती है। आप बॉडी के टिश्यूज खराब हो गए तो क्या खराब हो जाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन खराब हो गए तो ऑर्गन फेलियर हो जाए। हाँ के ना? Yes, sir. तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन होगी इट इज अ प्रोसेस इन विच अ ग्रीन प्लांट मेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका नाम है ग्लूकोज, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसकी बहुत जरूरत है। अच्छा कुछ हम एक्टिविटीज करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और सनलाइट भी जरूरी है और क्लोरोफिल भी जरूरी है। मैं आपको तीन एक्टिविटीज करवाऊंगा। एक्चुअली इसको 3 से 4 घंटे लगेंगे एक्टिविटीज करने में, तो किस दिन? संडे को करेंगे और एक और भी करेंगे, ठीक है? चलिए। अच्छा तो प्लांट्स की फोटो से प्लांट्स की न्यूट्रिशन समझ आ गई। अच्छा अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं, एक्चुअल में ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है? अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं तो कुछ इस तरह से हो रहा है कि प्लांट 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को 12 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कन्वर्ट कर देगा किसमें? एक कंपाउंड में जिसका है कौन सा? C6H6O6 प्लस साथ में क्या यूज करेगा? 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एंड 6 वाटर के मॉलिक्यूल। अच्छा ये उसका खाना है, समझ आ गया? ये वो दोबारा से यूज कर लेगा वाटर ये वाला, क्योंकि उसको दोबारा भी तो क्या करनी है? फोटोसिंथेसिस करनी है ना, ये वाटर को दोबारा यूज कर लेगा। समझ आ गई बात? बाकी ना? यस सर। पक्का? यस सर। अब मैं आपसे एक जनरल सी बात पूछता हूँ, किसी प्लांट ने जब फोटोसिंथेसिस करी उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या? देखो ध्यान से, आप लोगों को पता है आप लोग जो फ्रूट खाते हैं ना वो भी तो बन पाता है, फ्रूट भी तब बनता है जब प्लांट के पास एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं। अच्छा प्लांट क्या करता है, जब वो एक्सेस में ग्लूकोज बनाता है ना तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंडेंस करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? कंडेंस, जोड़ना शुरू कर देता है, समझ आ गई? अच्छा वो कंडेंस कर करके उसको बड़े से बड़ा कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अल्टीमेटली वो उसको स्टार्च की फॉर्म में फ्रूट के अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है, समझ आ गई? अच्छा ये फ्रूट होता क्या है? बेसिकली ये स्टार्च ही तो होती है, ये प्लांट का एक्स्ट्रा फूड होता है। एक फ्रूट जो आप लोग खाते हैं ये प्लांट के एक्स्ट्रा फूड से बनी होती है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं सिग्निफिकेंस पूछूंगा
तो फोटोसिंथेसिस से क्या बना? फूड। किसके लिए? प्लांट के लिए भी और हमारे लिए भी। दूसरा क्या हुआ हमारे लिए? क्या सिग्नल? क्या सवाल? बिल्कुल सही। देखो उस रिएक्शन में 6CO2 प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स C6H12O6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे थे। अरे हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना भैया, बिना ऑक्सीजन के बिना हम रह सकते हैं नहीं। अगर अगर आपको पता लगेगा ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड होती है, रेस्पिरेशन के लिए। देखो फ्यूल को, मैंने आपके फ्यूल को बर्न करने की रिएक्शन करवाई थी, कंबशन रिएक्शन। आपको बता देना उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं ना प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो हमें क्या देता है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो हमारी बॉडी भी एक आग की भट्टी है जिसको कार्बोहाइड्रेट जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? प्लांट से आ रही है। प्लांट्स आ सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, नाराज होके हो रहा है ये, हम प्लांट्स काटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। आगे चलो, अब तीसरा फॉसिल फ्यूल। देखो प्लांट्स होते हैं वो मर गए, ठीक है, धरती में दब गए लाखों करोड़ों सालों के बाद लगातार प्रेशर बनने पे, वो किसमें कन्वर्ट हो गए? फॉसिल फ्यूल, कोयले में कन्वर्ट हो गए। वो फॉसिल फ्यूल अल्टीमेटली हमने यूज करना है। देखो प्लांट ने अपने लिए खाना बनाया, अपनी बॉडी को बड़ा किया, मर गया, डेड हो गए, जमीन में धस गया, ठीक है, दब गया जमीन। अब प्लांट के अंदर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर भी ना बहुत सारी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। अगर सपोज करो मुझे भी कुछ मार के दफना दे, ठीक है, जमीन में दफना दे, तो अल्टीमेटली मैं भी एक दिन फॉसिल फ्यूल बन जाऊंगा। मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल एनर्जी स्टोर होगी, मेरी फ्लैश को तो सारे माइक्रोब्स खा जाएंगे, जो मेरी हड्डियां होंगी उनमें तो केमिकल एनर्जी स्टोर होगी ना, वो फॉसिल बन जाएगी। फॉसिल में क्या होता है? हम फॉसिल की केमिकल एनर्जी तो यूज करते हैं, ये जो कोयला जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, यहाँ ये हमें किस फॉर्म में एनर्जी दे रहे? एनर्जी बना सुना रहे हैं, इनके अंदर ऑलरेडी एनर्जी स्टोर होती है। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। उसको आप कन्वर्ट करते हो किसमें? हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी। एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं उनका एनर्जी कहाँ से आई? उनके अंदर केमिकल एनर्जी है। हम उनको जलाते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी। समझ आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा देखो जरा, अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना बेटा, अब मैं थोड़ा सा ना आपको एडवांस लेवल का बता दूं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, ये प्लांट के हर सेल में नहीं होता, ये प्लांट्स के स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स में होता है जिनका नाम है मेसोफिल सेल्स। अच्छा, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर भी एक सेल ऑर्गेनेल होती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये एक स्पेशल, आपने पढ़ी थी ना प्लांट ऑर्गेनेल प्लास्टिड्स, ये एक तरह की स्पेशल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, इसका नाम क्लोरोप्लास्ट क्यों डाला? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। अच्छा, ये है वो ही पिगमेंट है जो हमें वाटर को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैं थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताना चाहूंगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको फोटोसिंथेसिस के स्टेप बताने चाहूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ग्राउंड से वाटर को खींचा गया, आगे ना? यस सर। उसके बाद उस वाटर को ब्रेक किया गया, किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ आ गया? Yes, उसके बाद एयर से क्या ली गई? कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस हाइड्रोजन को गेन करवा दिया किसको? कार्बन डाइऑक्साइड, आगे ना? Yes, sir. और उसकी हमने क्या करी? रिडक्शन। समझ आ गया? एंड अल्टीमेटली इसकी मैंने ना नोट्स में लिखे हुए हैं इसके स्टेप्स, ठीक है। तो पहला स्टेप है कुछ इस तरह का। अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले तो देखो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो सर सबसे पहला स्टेप था वो अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट हुई ना। प्लांट के सेल ने, मेसोफिल सेल ने लाइट को अब्सॉर्ब करा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करा, उसके बाद वाटर को ब्रेक करा, हाइड्रोजन निकली, ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करवा दिया, उसे क्या कर दी? रिडक्शन। तो ये कुछ चार पांच स्टेप्स होते हैं, इनको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। पहला अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिख लो यार, यहां पे लिख लो। पहला अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, पहला पॉइंट है अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा पॉइंट है ब्रेकिंग ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आप टू भी वेरी, अगर आप और ज्यादा देना चाहते हो इन्फॉर्मेशन, तो आप बोल देना इस प्रोसेस का नेम है फोटोलिसिस। समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टू एटमॉस्फेयर। अच्छा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। समझ आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने क्या ऐड कर दी? हाइड्रोजन, और वो किसमें रिड्यूस हो गया? ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं
अच्छा, प्लांट के हर सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। प्लांट्स के जिन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है उनको हम जानते हैं मेसोफिल सेल्स के नाम। इन मेसोफिल सेल्स में एक स्पेशल तरह की सेल ऑर्गेनेल होती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही उन पार्ट्स का जहां पे ये सेल्स होंगे उनका कलर क्या होगा? ग्रीन कलर। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा मैं आपको, जो याद होने मतलब जो आपको पता होने चाहिए। समझ आ गए? सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है कि ये एक आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन। द मेन फंक्शनिंग बॉडी है ना, वो दो मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? इनक्लोज। और आगे बात नहीं आई? तो ये डबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, इनके पास अपना क्या होता है? अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। मतलब अगर इनको इनके स्ट्रक्चर को कहीं डैमेज होती है तो ये अपने डीएनए से उसको खुद से रिपेयर कर लेते हैं या अपने लिए प्रोटीन खुद बना लेते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, इनमें अब जो ग्रोथिंग बॉडी होती है, एक होता है बेटा मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा। मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा, अच्छा बेसिकली ये क्या होता है? दो मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड कंटेंट होगा जहां पे पता कौन सी रिएक्शन हो रही होगी? ये वाली प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। ये रिएक्शन इसी मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा के अंदर होती है। समझ आ गए? अच्छा, उसके बाद ये जो ये हो रहा है ना ब्रेकिंग ऑफ वाटर, ये इवेंट पता कहां पे हो रहा है? ये इवेंट हो रहा है इसकी एक और बॉडी के अंदर जिसका नाम है थैलाकोइड। थैलाकोइड्स ये क्या होते हैं? जैसे सिक्के नहीं होते इस तरह के, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टैक बना के, मतलब एक पूरी की पूरी स्टैक बना के रहते हैं। इस एक पोर्शन पे इस एक की एक मेम्ब्रेन स्टैक होता है, एक तरह का थैली होती है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। मैं भी आपको प्रेजेंटेशन दूंगा ना प्रोजेक्टर पे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है? पिक्चर में आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। अरे, इस एक मेम्ब्रेन स्टैक को मतलब एक थैली को हम थैलाकोइड बोलते हैं। समझ आ गए? जब इनका पूरा स्टैक लग जाता है ना, इसको ग्रैना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रैना। इनको बोला जाता है ग्रैना। कई बुक्स में आपको ग्रैनम भी मिलेगा। ग्रैनम देखो एनसीईआरटी में है नहीं, बट वही बात, जिनका सपना है क्या करने का, मेडिकल नॉन मेडिकल उनके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो थैलाकोइड होता है ये। अच्छा, उसके बाद ये सारे ग्रैना ना, एक ग्रैना नहीं होता, बहुत सारे ग्रैना होते हैं एक क्लोरो इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये सारे आपस में जुड़े होते हैं। समझ आ गई बात? नहीं आई? अच्छा, अब एक और बात, ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, ये एक दो रिएक्शंस की क्या है? कॉम्बिनेशन। इन दो रिएक्शंस को ना हम क्या नाम देते हैं? एक नाम देते हैं लाइट फेस और एक को हम नाम देते हैं डार्क फेस। समझ आ गया? एक का नाम ये मैंने आपको बोला कि ना फोटोसिंथेसिस सिंगल रिएक्शन नहीं है, ये दो रिएक्शंस की कॉम्बिनेशन। उन दो रिएक्शंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लाइट फेस एंड डार्क फेस। नाम ही बता रहा होगा, लाइट फेस में क्या हो रहा है? लाइट ऑब्जॉर्ब हो रही है, वाटर ब्रेक हो रहा है। एंड डार्क फेस में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है। किसकी रिडक्शन हो रही? किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। अच्छा, ये वाली जो रिएक्शन है ये है डार्क फेस की रिएक्शन। ये कहाँ पे हो रही है? मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा। समझ आ गए? और ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम बोल सकते हैं लाइट फेस की रिएक्शन। और ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है हमारे थैलाकोइड के अंदर। समझ आ गई बात? आ गए ना? देखो, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको इतनी चीजें बता होनी चाहिए। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एक स्पेशल तरह के सेल के अंदर होगा जिसका नाम होगा मेसोफिल सेल। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्लांट का कलर क्या होगा? ग्रीन। जिस जगह पे मेसोफिल सेल प्रेजेंट होंगे वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रही है और वहीं पे क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट खुद में क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है। समझ आ गया? प्लास्टिड्स के नाम से हमने इनको क्लास 9 में पढ़ा था। कितने तरह के थे? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। उनकी उनका अगेन हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करने का टाइम नहीं है। उसी तरह क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, अपना डीएनए है, राइबोसोम्स है। अगर डीएनए होने का मतलब अगर स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा तो खुद को रिपेयर कर लेगा। राइबोसोम्स का मतलब अगर कुछ प्रोटीन चाहिए तो खुद से बना लेगा। अच्छा अच्छा, राइबोसोम्स का एक काम और भी होता है। ये क्या बनाते हैं? एंजाइम्स बनाते हैं। अच्छा, ये जो रिडक्शन हो रही है ना ये वाली, ये एमे नहीं हो जाने, ये एंजाइम्स की मदद से होगी। समझ आ गया? और वो एंजाइम होता है एनडीएपीएच। छोड़ो, उसको ब्रांड ब्रांड ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा। ये समझो एक तरह का लिक्विड है। समझ आ गया? और उसके अंदर क्या है? थैलाकोइड। ये क्या है बेसिकली? ये मेम्ब्रेन सैक है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। हाँ के ना? यस सर। समझ आ गया? ये बहुत सारे मेम्ब्रेन सैक के आपस में क्या लगी थी? ढेरी लगी होती है। उस ढेरी को हम क्या बोलते हैं? ग्रैना या फिर ग्रैनम। ग्रैना या फिर ग्रैनम। समझ आ गई बात? पक्का? अब इसकी प्रेजेंटेशन दूं? एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसे है? चलिए,
चलिए देखिए जी, अभी हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में जाना था, ठीक है। हमने बोला कि देखो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें पांच स्टेप्स इन्वॉल्व थे, चार से पांच स्टेप्स इन्वॉल्व थे। सबसे पहला स्टेप क्या था? अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना, उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन। अच्छा, उसके बाद हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे थे, हाइड्रोजन को गेन करवा रहे थे, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बन रहा था? ग्लूकोज। कार्बन वो क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को गेन करके ग्लूकोज बन रहा था, है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के हर सेल में नहीं होता। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि यार रूट्स में प्रेजेंट सेल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मेरा आंसर होगा नो, उसमें नहीं हो रहा। अच्छा, अगर उसमें नहीं हो रहा तो प्लांट्स के किन सेल्स में हो रहा है? हमने प्लांट्स के उन सेल्स को मेसोफिल्स नाम सेल्स का नाम दिया। हमने बोला कि ये मेसोफिल सेल्स ही होंगे जो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। अच्छा, अब ऐसा क्या है मेसोफिल सेल्स में जो बाकी सेल्स में नहीं है? तो मेसोफिल सेल्स में ये प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, जो जो फीचर मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के दिखाए हैं वो सारे इस पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे। मैंने इसी तरह की फोटो निकाली है जिसमें 10th लेवल के जो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं क्लोरोप्लास्ट के सभी के सभी। अच्छा, मैंने पहला फीचर क्या बताया था? डबल मेम्ब्रेन होगा। तो देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसका डीएनए और राइबोसोम्स नहीं दिख रहे, बट क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए और अपना ही राइबोसोम्स होते। मतलब अगर स्ट्रक्चर को डैमेज हो तो वो अपने आप ही रिपेयर कर सकेगा खुद को, और राइबोसोम से वो अपने लिए क्या बना पाएगा? प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने वाली रिएक्शन होती है C6H12O6 में, ये कहाँ हो रही है? ये इस पोर्शन में, जो आपको डार्क कलर का दिख रहा है ना, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन करने के लिए भी हमें एंजाइम चाहिए होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट अपने राइबोसोम से ही क्या बना लेगा? एंजाइम बना लेगा। अच्छा, अब ये जो आउटर पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, जो डार्क कलर का ये वाला, ये बेसिकली स्ट्रोमा है, दिस इज अ लिक्विड पार्ट। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पे डार्क फेज की रिएक्शन होगी, यहाँ पे बेसिकली ये वाली रिएक्शन होगी। समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट फंक्शनल बॉडी बताई थी, कौन सी? थैलाकोइड। अच्छा, ये तो थैलाकोइड दिख रहे हैं आप लोगों को, ये क्वाइन की तरह है ना, और एक दूसरे के ऊपर ढेरी बनाई हुई है इन्होंने। ये जो एक क्वाइन है ना, इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, कौन सा? क्लोरोफिल। अच्छा, इस क्लोरोफिल का ही काम होगा क्या करना? ये जो मैंने आपको बताया ना, क्लोरोफिल ही बेसिकली क्या करेगा, आपकी लाइट एनर्जी को पहले ट्रैक करेगा। लाइट एनर्जी को ट्रैक करने के बाद ये वाटर की फोटोलिसिस करेगा और उसको ब्रेक करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? तो ये सारी रिएक्शन इन थैलाकोइड्स के अंदर हो रही है। अच्छा, थैलाकोइड्स के स्टैक को हम क्या बोलते हैं? ग्रैनम। मैंने आपको बताया था कहीं में ग्रैना लिखा होगा, कहीं में ग्रैनम लिखा होगा। अच्छा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कनेक्शन दिख रहा है, ये थैलाकोइड है, देखो ध्यान से, ये आपको कनेक्शन दिख रहा है, ये आपको कनेक्शन दिख रहा है ना, बेसिकली ये आपस में कनेक्टेड है ताकि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो रही है ना, ये स्ट्रोमा तक पहुंच जा पाए। समझ आ गया? हर किसी थैलाकोइड में ये रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जा रहा है, इस हाइड्रोजन को, बेसिकली हाइड्रोजन ऐसा नहीं होता, हाइड्रोजन के आयन्स होते हैं, हाइड्रोजन का आयन और इलेक्ट्रॉन का आयन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का आयन है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये इन इस कनेक्शन के थ्रू आपस में ट्रांसफर करते हैं और अल्टीमेटली इनको मैट्रिक्स में भेजते हैं। समझ आ गया? मैट्रिक्स में जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको अब्सॉर्ब करती है और उसकी रिडक्शन हो जाती है। समझ आ गई सारी बात? अच्छा, मैंने आपको बताया ये वाली जिसमें लाइट एनर्जी इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? लाइट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो लाइट फेज कहाँ पे हो रही है? इन थैलाकोइड्स के अंदर। और ये जो है, ये बेसिकली यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? डार्क फेज। क्लियर है? यस सर। बेसिकली यही पे ये रिएक्शन हो रही है। क्लियर है सबको? यस सर। अब बोलोगे तो नहीं? यस सर। पक्का? अच्छा, अभी हमने प्रोजेक्टर के थ्रू समझा, ठीक है, हमने एक फोटो के थ्रू समझा कि कैसे क्लोरोप्लास्ट के किस रीजन में लाइट फेज की रिएक्शन हो रही है और किस रीजन में डार्क फेज की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको एक फ्लो चार्ट देने जा रहा हूँ जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली लाइट फेज में क्या होगा एंड डार्क फेज में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एक लाइट फेज की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? लाइट फेज की। अच्छा, लाइट फेज में बेसिकली वाटर का इन्वॉल्वमेंट होती है, वाटर को ब्रेक किया जाता है ना। अच्छा, यहाँ पे ये रिएक्शन करने के लिए एनर्जी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। हाँ, क्या नाम? अच्छा, लाइट फेज में क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में निकलेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक एच पॉजिटिव आयन और एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है किसके लिए? डार्क फेज की रिएक्शन के लिए। इसके लिए डार्क फेज की रिएक्शन के लिए। अच्छा, देखो ध्यान से, डार्क फेज में ना क्या होगा, एटीपी के मॉलिक्यूल्स बना के दिए जाएंगे डार्क फेज को करने के लिए। मतलब लाइट फेज में कुछ एटीपी के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे और ये दिए जाएंगे डार्क फेज की रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। समझ आ गई बात? आगे ना? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, अब डार्क फेज में बेसिकली कौन आया? कार्बन डाइऑक्साइड आई। आगे ना? यस सर। और यहां से क्या चीज निकली? C6H12O6। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपको एंजाइम, या ऐसे कह सकते हो ये जो एटीपी यहाँ पे दिया गया ना,
यहाँ पे फिर से इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, हाँ एडीपी वापस दे दिया जाता है। यहाँ पे एटीपी दिया गया, इसका इसका नाम होता है एडिनोसाइट ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसके बॉन्ड में ही ना एनर्जी छुपी होती है, इसके बॉन्ड में ही एनर्जी छुपी हुई है इस रिएक्शन के लिए। अब इस रिएक्शन ने एनर्जी सारी यूज करी, ठीक है, बॉन्ड तोड़ा और वापस क्या दे दिया, एडिनोसाइट ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे क्या था, ट्राइफॉस्फेट, बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटा, एनर्जी निकली, वो इसने यूज करी और वापस क्या गया, एडिनोसाइट ट्राइफॉस्फेट। समझ आ गई बात, आगे ना पक्का? यस सर। चलिए